वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान, इसके तहत हमारे जो प्रयास का जो YouTube चैनल है, स्वस्थ समृद्ध परिवार का YouTube चैनल, इस पे आपको आए दिन प्रतिदिन रसोई घर से, आयुर्वेद से, होम्योपैथ से चमत्कारी परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और उन अनुभवों को सुनकर जाने अनजाने सैकड़ों हजारों परिवार उसे उपयोग करके, उस पर विश्वास करके, अमल करके उसका लाभ उठा रहे हैं। पिछले कुछ महीने पहले, लगभग 6-7 महीने पहले, मुझे हरियाणा प्रांत के बहुत ही अनुभवी वैद्य हरिहर सिंह जी, जो चिड़ी निवासी थे, उनकी 1996 की प्रकाशित पुस्तक चिकित्सा भास्कर के नाम से मिला, उसे अध्ययन किया। अध्ययन के दौरान उन दिनों जो भी समस्याएं आई, और उसमें जो सबसे सरल ऐसा उपचार जो आयुर्वेदिक होते हुए भी घरेलू जैसा दिख रहा था, उन उपचारों को जब भाई बहनों को उनको बताया तो उसके परिणाम बहुत ही सकारात्मक रहे। उसके लिए कोटि कोटि नमन हैं वैद्य हरिहर सिंह जी को, जिन्होंने अपने जीवन के अनुभूत योगों को पुस्तक का रूप देकर हम जैसे भाइयों के लिए आसान बना दिए। आप जैसे परिवारों को स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए उनका इस अनमोल योगदान के लिए कोटि कोटि नमन। मैं उसी पुस्तक का, क्योंकि उस पुस्तक में लिखे कई सारे घरेलू उपचार हैं, आयुर्वेदिक उपचार हैं, जो बनाने में कई बार कठिन है, लेकिन जो उनमें सबसे सरल है और प्रयोग करने के बाद उसके परिणाम भी बहुत अच्छे हैं, उन्हीं में से मैं आज बात करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। श्वेत पदर का अनुभूत योग, सरल योग, अगर इस योग का बनाकर इस उपचार को घर में तैयार करके, इस औषधि को तैयार करके उपयोग करते हैं, तो भयंकर से भयंकर, पुरानी से पुरानी श्वेत पदर की समस्या, और श्वेत पदर के कारण शारीरिक में जो अन्य कमजोरियां आई हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो सकती है, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि इस पुस्तक पे दिए गए कई अनुभूत योगों का, जो खास करके मुझे तो जो सरल लगता है, उन्हें ही मैं सामने वालों को बताना पसंद करता हूँ। क्योंकि ना मैं कोई वैद्य हूँ, ना मैं कोई डॉक्टर, ना कोई चिकित्सक, तो जो सरल और जिसका दुष्प्रभाव ना हो। प्रदर की समस्या से हमारे समाज की सारी माताएं, बहनें, बेटियां इस कष्ट से मुक्त हो सकती हैं, उसके लिए आपको पंसारी की दुकान पे जाके पठानी लोध जो है, पठानी लोध लगभग 100 ग्राम ले आएं, नागौरी असगंध ये 100 ग्राम ले आएं, विधारा 100 ग्राम लेकर आएं, इन सभी को बारीक कूट पीस कर मिक्स करके रख लें, और इसमें से लगभग आधा चम्मच से लेकर एक चम्मच तक सुबह और शाम गौ माता का दूध, हल्के गुनगुने दूध से, गौ माता के दूध से सेवन करना है लगातार 40 दिन। अगर 40 दिन तक इस औषधि का सेवन करते हैं तो हमारी जितनी भी माताएं, बहनें, बेटियां जो इस समस्या से पीड़ित हैं, इनके कष्टों से पीड़ित हैं, काफ़ी सारे उपचार करने के बावजूद आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो इस उपचार को अपना सकते हैं। एक भाई की विनती है, एक बेटे की विनती है, ना कोई चिकित्सक की, ना डॉक्टर की, ना वैद्य की। अनुभवों के आधार पर, ज्ञान के आधार पर लिखी गई पुस्तकें, उनके आधार पर एक भाई और बेटा बनकर आप तक उस ज्ञान को पहुंचा रहा हूं। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में आप सभी अपना अपना सहयोग दें, आशीर्वाद दें, अनुभव दें, मार्गदर्शन दें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद, जय रसोई घर।